हेलो एवरीवन, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइम स्केलिंग। सो बेसिकली व्हाट इज़ टाइम स्केलिंग? टाइम स्केलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम एक्सिस होता है जिसके अक्रॉस हम अपना सिग्नल ड्रॉ करते हैं, सिग्नल के आउटपुट को, आउटकम को ड्रॉ करते हैं, स्केलिंग उस टाइम एक्सिस को एक्सपेंड या कंप्रेस करती है। एक्सपेंशन या कंप्रेशन डिपेंड करेगा कि किस जो आपका हमारा जो स्केलिंग फैक्टर है ए, either it is between 0 and 1 or greater than 1. A should never be equal to 0. A 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A 0 हो गया तो एक discrete point मिलेगा हमें, जो होगा t is equal to 0. Okay, x of 0 would be the signal response at that time, that is at t equals to 0. So let us now talk about case 1, जब हमारा A 0 से 1 के बीच में होगा, और let us suppose कि हमारा A है, उसकी value है 0.5. Let us suppose the original signal ST is this, from 4 to 6. अब x4 पे हमारी वैल्यू क्या है इस सिग्नल की? 2. x of 6 पे भी 2 है. These are our starting and ending points. जैसे हमने टाइम शिफ्टिंग के केस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को कंसिडर करके t की वैल्यू निकाल ली थी फॉर स्केलिंग, फॉर शिफ्टिंग, इन दिस केस ऑल्सो वी विल डू द सेम ट्रिक. So for x of a of t, in this case x of 0.5 of t, what would be the value of t so that it becomes x of 4, overall x of 4? So put 0.5 t is equals to 4. This implies that t is equals to 4 divided by 0.5. So it is equals to 8. Get it? Also 0.5 t is equals to 6, this is t is equals to 60/5, which is equals to 12. Okay, so our signal x of 0.5 t would now look like, it would look like starting point would be 8, ending point would be 12, and it is like this. Okay, so now what we can see is that in our original case the time duration of the signal was 2, say seconds. Okay, and in this case the time duration is 4. It's twice the that of original signal, dugni ho gayi hai jo hamari original signal ki time duration thi usse. To hum kya conclude kar sakte hain isse, that a between 0 to 1 is the case of time expansion. Expansion क्यों? हमारा जो time duration of the signal है वो expand कर रही है from the original one, जिस पे हमने time scaling apply की है. The other case would be a greater than 1. So let us again consider a signal, say the same signal. Okay, I will take a 4 here, 6, and this one is 2. Previously we also taken the same signal, here the amplitude would remain same. See, time shifting and time scaling never affects the amplitude of the signal, it only works on the time axis. So now for a greater than 1, let us suppose a is equals to 2. So अब हमें क्या ड्रॉ करना है, x of 2t. इसके लिए हम क्या करेंगे, x of 4 निकालेंगे. 4t is equals to 4, इसमें t is equals to 2. x of 6 निकालेंगे, तो put 2t is equals to 6, this implies that t is equals to 3. तो क्या होगा, ये 2 से 3 जाएगा and the amplitude would remain same. तो ओरिजिनल सिग्नल की ड्यूरेशन थी 2 सेकेंड, आफ्टर टाइम स्केलिंग फॉर ए ग्रेटर देन 1 इट बिकेम 1 सेकेंड. तो ओरिजिनल ड्यूरेशन के मुकाबले जो स्केल ड्यूरेशन है वो कम है, पहले 2 सेकेंड थे, 1 सेकेंड है. सो ए ग्रेटर देन 1 इज अ केस ऑफ टाइम कंप्रेशन. प्रैक्टिकल यूज क्या है टाइम कंप्रेशन का? प्रैक्टिकल यूज इज फास्ट फॉरवर्डिंग
अ सॉन्ग। जब हम एक गाना सुन रहे हैं मान लो, तो हम जब उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, कम ड्यूरेशन में वो सारा सिग्नल हमें रिसीव हो जाता है, तो उससे हमें क्या पता प्रोसेस हो जाता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि तब हमने टाइम स्केलिंग की है विद ए ग्रेटर देन वन। तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स होंगी, कंक्लूजन जनरली व्हाट वी डू इज इफ एक्स ऑफ टी टाइम स्केलिंग विद ए, सो देन डिवाइड द टाइम एक्सिस बाय ए फॉर टाइम स्केलिंग ऑफ एक्स ऑफ ए टी, डिवाइड द टाइम एक्सिस ऑफ एक्स ऑफ टी बाय ए टू गेट एक्स ऑफ ए टी। ठीक है, नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल। सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ एक्स ऑफ थ्री टी फॉर द गिवन सिग्नल एक्स टी। सो हमारा जनरल रूल था कि हम जो टाइम एक्सिस को है उसको ए से डिवाइड कर देंगे। ए हमारा क्या है, हेयर ए इज इक्वल्स टू थ्री, डिवाइडिंग द टाइम एक्सिस बाय थ्री विल गिव अस एक्स ऑफ थ्री टी एंड इट इज अस 0, 9/3 इज 3, 12/3 इज 4। एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम बिकॉज टाइम ऑपरेशंस डोंट अफेक्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, सो इट इज आवर केस। एज इन दिस केस ए इज ग्रेटर देन वन, डेट इज ए इज 3, सो वी आर एक्सपीरियंसिंग टाइम कंप्रेशन, टाइम कंप्रेशन। इफ फॉर द सेम एक्स ऑफ टी वी टेक ए एज 0.3, देन इट वुड बी एज एक्स ऑफ 0.3 टी, डिवाइड द टाइम एक्सिस बाय 0.3 दिस टाइम 0, 90/3 इज 30 एंड 120/3 इज 40। एम्पलीट्यूड वुड रिमेन सेम इन दोज रेंज एंड वी विल गेट इज दिस। हियर वी आर एक्सपीरियंसिंग टाइम एक्सपेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।